नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। यहाँ देख सकते हैं कि मामाली सेट्ठी जी ने कमेंट किया है अलग अलग टेक्स्ट में कलर कैसे करें। तो सबसे पहले सेट्ठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग टेक्स्ट में कलर कैसे करते हैं पेज मेकर के अंदर। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग कलर कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है, और यहाँ पर देखिए पहले से, जैसे आप समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने पहले से टेक्स्ट लिख रखा है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये एक अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, ये अलग टेक्स्ट है, ये अलग अलग, देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। आपको सिंपल है, बहुत आसान है। तो जिस टेक्स्ट को आपको कलर करना है तो उसको आपको क्या करना होगा, ये देखिए, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, इस टेक्स्ट टूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको कलर करना है तो उसको आपको इस तरह क्लिक करके सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट टूल से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड में आपको कलर पैलेट दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग कलर्स हैं, जो भी कलर आपको पसंद आए सिर्फ आप उसको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली, ये देखिए ये टेक्स्ट मेरा कलर हो गया। अब ये दूसरा वाला टेक्स्ट दिखाता हूँ, इसको कैसे कलर करना है। बहुत सिंपल है, आपको सिंपली टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर दिया मैंने, उसके बाद राइट हैंड साइड में कलर पैलेट आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए मेरा टेक्स्ट ये ग्रीन कलर का हो गया। आप चाहते हैं सिंपल एक कलर, अगर आपको चाहते हैं कि सिर्फ एक ये जो लेटर है इसको अगर कलर करना है, इसको अलग कलर करना है, इसको अलग, ये अलग अलग भी आप कर सकते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ टेक्स्ट के इस वहाँ पे आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ये टी को सिर्फ कलर करना है तो टी को आप इस तरह सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कलर पैलेट में आप जाइए, जो भी कलर पसंद है क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा सिर्फ टी कलर हो गया, इसको नहीं करना है छोड़ दीजिए। अब ये टी को कलर करना है सिलेक्ट कीजिए, अब यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद है क्लिक कर दीजिए, ये देखिए कलर हो गया। अगर इसको भी कलर करना है, ये ओ को कलर करना है, सिलेक्ट कीजिए टेक्स्ट टूल से, उसके बाद यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये भी टेक्स्ट कलर हो गया। अब इसको भी कलर करना है, सिंपल है, इसको भी चाहते हैं सिलेक्ट करते जाइए और कलर पैलेट में जो कलर है उससे आप क्लिक करते जाइए। ये देखिए ये पूरा का पूरा देखिए ब्यूटीफुल एक कलर, सब में अलग अलग लेटर्स में अलग अलग कलर मैंने कर दिया। अब ये जो एल है, एल को कलर करना है सिलेक्ट कीजिए, अब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए अलग एक कलर हो गया। अब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है टेक्स्ट को कलर करना। और ये जो कलर पैलेट है, मान लेते हैं यहाँ पे अगर आपको कलर पैलेट नहीं आया हुआ है तो इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको कैसे लाते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो आपको ये जो मेन्यू बार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप विंडो मेन्यू में जाइए, थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए शो कलर्स, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस जे प्रेस कीजिएगा आप, कंट्रोल और जे प्रेस कीजिएगा तो ये वाला कलर का पैलेट आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो कलर पैलेट है देखिएगा बहुत इस तरह छोटा रहता है, देखिए ध्यान से, इस तरह का छोटा है, इस तरह का रहता है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कॉर्नर में रखिएगा माउस पॉइंटर, इसको थोड़ा ड्रैग कर दीजिएगा नीचे की तरफ तो ये पूरा का पूरा ये खुल जाएगा पूरा। उसके बाद आप यहाँ से आप जो भी कलर पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट करके कलर कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप थैंक्स को कलर करना है सिंपली आप पहले आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ठीक वहाँ पे आप ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप कलर चूज़ कर लीजिए। देखिए अब इसको कलर करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ वॉच को अलग कलर करना है, आई एन जी को अलग करना है, ये देखिए अलग अलग, ये देखिए कलर हो गया। अब यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं, ये देखिए देखिए अलग अलग कलर यहाँ पे देखिए हो गया। अब जिसको आप पहले अब चाहते हैं कि नहीं ये जो ब्लैक कलर ही चाहिए मुझे, इसको रेड जो कलर किया है मुझे नहीं रखना है, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए ऐसे करके, और ऊपर देखिएगा यहाँ पे ब्लैक है, रजिस्ट्रेशन भी ब्लैक कलर है, तो यहाँ ब्लैक पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ब्लैक कलर हो गया। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, पेज मेकर में अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग कलर आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो यहाँ से सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ से कलर पे क्लिक कर देना है। ये देखिए मेरा टेक्स्ट कलर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अलग अलग टेक्स्ट को कलर करते हैं पेज मेकर के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।